मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात बंगरा स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में प्रकाश पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में धनतेरस के दिन रंगोली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 9 की छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्राओं के 4 ग्रुप बनाए गए, जिनमें क्रमशः ग्रुप के नाम ब्रह्मी, शारदा, सरस्वती व लक्ष्मी रखा गया, जहाँ सभी ग्रुप की छात्राओं ने काफी सुंदर एवं आकर्षक रंगोली बनाई। इस दौरान विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार ने रंगोलियों को देखकर काफी प्रशंसा की तथा अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि अपने देश की परंपरा एवं संस्कृति कभी लुप्त न हो। साथ ही प्राचार्य सुबोध कुमार ने भी रंगोलियों की सराहना करते हुए कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, अतः प्रकाश केवल घर द्वारा तक सीमित नहीं रहे बल्कि प्रकाश हमारे भीतर भर जाए, जिससे कि सारा जग प्रकाशित हो। उन्होंने प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की सलाह दी। बता दें कि इस महोत्सव में प्रथम स्थान लक्ष्मी ग्रुप एवं द्वितीय स्थान ब्रह्मी ग्रुप ने प्राप्त किया। इस महोत्सव को सफलता में बनाने में एनएस पांडे, अमिताभ काजल, पायल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही अन्य सहयोगियों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। महोत्सव के अंत में भाग लेने वाली छात्राओं की मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। हमने बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर का एक रंगोली बनाया। क्या नाम है? कनक। किस क्लास में? आज हम लोगों ने रंगों से बहुत सारी रंगोली बनाई है और इससे हम लोग दिवाली के लिए बनाना चाहते हैं और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली रंगों का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर से मनाना चाहिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं दिव्या स्टैंडर्ड 9th से हूँ। मतलब हम लोग ने 8 वर्षों का लास्ट देखा और दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ पर सभी ने रंगोली बनाया और सबसे अलग अलग रंगोली बनाया। जैसे मेरे सबसे बड़े ने हमने यहाँ बनाया, सबने बनाया और हमने बहुत इंजॉय किया। हमने साथ मिल के बनाया, इससे हमारा टीम वर्क इम्प्रूव हुआ और हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आज रंगोली में क्या बनाया आपने? हमारे रंगोली का थीम था छठ की तरह थी, जिसमें एक औरत है जो कि सूरज को अर्घ दे रही है। के बच्चों द्वारा जो हमारे देश की विविधता कई मामलों में है, सबको समेकित करते हुए एक संदेश देने का प्रयास किया है और शहरवासियों से यह अनुरोध किया है कि भारत के गरिमापूर्ण इतिहास जिसमें सभी लोग खुशी खुशी रह सके, एक दूसरे की भावना का सम्मान कर सके और बच्चों की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से दिवाली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं महापर्व छठ की बहुत बहुत अशुभ शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं इस परिवार की तरफ से यह पर्व हम लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ और सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।